नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित। स्वागत है आप सबका इस डिफेंस सेगमेंट में। और इस डिफेंस सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं तीन टॉपिक्स पे, और उसमें से पहला टॉपिक है हमारा हाल ही में साइन किए गए BDL और इंडियन नेवी के दरमियान तकरीबन 1200 करोड़ रुपए की लागत से सप्लाई किए जाने वाले हैवी वेट टॉर्पीडो के बारे में, जिसे वरुणास्त्र भी कहा जाता है। तो वरुणास्त्र को लेकर तकरीबन 75 से लेकर 80 वरुणास्त्र BDL इंडियन नेवी को सप्लाई करने वाली है, और इसको लेकर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है। वहीं दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे जो कि एक रडार से रिलेटेड है, और हमने कम्युनिटी सेक्शन में पोस्ट भी किया था कि इसराइल ने इंडिया को एक ऑफर दिया है एक रडार को लेकर, और वो रडार इसराइल का ELM-2084 है, जो कि एक मल्टी मिशन मल्टी मोड रडार है। तो ये रडार किस तरह का है और कौन कौन से ऑपरेशन करने में सक्षम है, बेसिकली ऐसा बताया जा रहा है कि ये स्टिल्दी जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको भी डिटेक्ट करने में सक्षम है। तो इस रडार के बारे में जानेंगे दूसरे टॉपिक पे। बात करते हैं तीसरे टॉपिक के बारे में। तो तीसरे टॉपिक पे हम बात करेंगे इंडियन नेवी के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो अप्रोच कर रही थी सी गार्डियन ड्रोन्स खरीदने को, उस पर कुछ नए अपडेट्स हैं, तो उस सेक्शन पर भी बात करेंगे। तो इस डिफेंस सेगमेंट को शुरू करने से पहले जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है जाके सब्सक्राइब करें। तो चलिए बढ़ते हैं इस डिफेंस सेगमेंट की तरफ। तो इस वीडियो में टॉर्पेडो क्या होता है और क्यों यूज होता है, तो ऐसे कुछ सवालों पे हम बात नहीं करेंगे क्योंकि ये काफ़ी बेसिक्स हैं, और इतना मैं लेके चल रहा हूँ कि आपको ये सब चीज़ें पता होंगी। फिलहाल इंडियन नेवी तकरीबन 8 से 10 तरह के टॉर्पेडो यूज़ करती है, जिनकी एक लिस्ट यहाँ पे मैं डाल दूंगा। उसमें से वरुणास्त्र, जो कि एक इंडिया का हैवी वेट टॉर्पेडो है, और वरुणास्त्र के बारे में भी आप में से बहुत लोगों को बहुत कुछ पता होगा क्योंकि ये प्रोग्राम काफ़ी पुराना प्रोग्राम है, जो कि 2007-2008 में इनिशिएट किया गया था। और ये कुछ ऐसी चीज़ें मैं मेंशन कर रहा हूँ जो मैं लेके चल रहा हूँ कि आपको पता होंगी वरुणास्त्र के बारे में। ये एक हैवी वेट एंटी सबमरीन टॉर्पीडो है जिसे डेवलप कर रही है नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल लेबोरेटरी, जो कि DRDO की लेबोरेटरी है। और इसके एसिप वर्जन को फॉर्मली इंडियन नेवी में 2016 में इंडक्ट कर लिया गया था। और अभी हाल ही में एक खबर के अकॉर्डिंग तकरीबन 73 से लेकर 75 की मात्रा में इंडियन नेवी इसको इंडक्ट करने वाली है, और जिसे मैन्युफैक्चर करने जा रही है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। तो वरुणास्त्र के बारे में ये कुछ चीज़ें आपको पता होंगी, जैसे कि ये एक हाई एक्सप्लोसिव वॉरहेड कैरी करने में सक्षम है, और तकरीबन 250 किलोग्राम का वॉरहेड कैरी करने में भी सक्षम है। और इसका इंजन एक इलेक्ट्रिक इंजन है। जहाँ तक बात करते हैं डेप्थ की, तो ये तकरीबन 400 मीटर डेप्थ में जाके मार करने में सक्षम है। जैसा कि आप सब जानते होंगे, जितना आप डेप्थ में जाते हैं तो पास्कल लॉ के अकॉर्डिंग, जो कि एक स्टैंडर्ड फिजिक्स है, आपके ऊपर जो प्रेशर है वो बढ़ता रहता है। और इस चीज़ को देखते हुए इस टॉर्पीडो को 400 मीटर तक जाने में जितना प्रेशर आएगा उतने बियर करने के अकॉर्डिंग इसे डिजाइन किया गया है। और ये टॉर्पीडो तकरीबन 74 किलोमीटर पर आर की रफ्तार से मार करने में सक्षम है, जो कि थर्ड हाईएस्ट है पूरे वर्ल्ड में। अगर आप स्पीड के मामले में बात करते हो तो सबसे पहले आप रखोगे MK-48 को, जिसकी स्पीड तकरीबन 55 नॉट्स की है। वहीं पर आप दूसरे नंबर पर रखोगे वॉस ब्लैक शार्क को, जिसकी स्पीड तकरीबन 52 नॉट्स है। और आप थर्ड नंबर पर वरुणास्त्र को रख सकते हो, जिसकी स्पीड 42 नॉट्स की है। और वरुणास्त्र के दो वर्जन है, शिप लॉन्च टॉर्पीडो और दूसरा है आपका सबमरीन लॉन्च टॉर्पीडो। तो वरुणास्त्र को लेके ट्विटर पे हमारे एक व्यूअर हैं, उनका ये सजेशन था कि इसका गाइडेंस सिस्टम किस तरह का है उसे एक्सप्लेन किया जाए। तो चलिए बात करते हैं इसके गाइडेंस सिस्टम की। तो इस टॉर्पीडो को गाइड किया जा रहा है दो सिस्टम से, आपका है पहला एक्टिव पैसिव अकोस्टिक होमिंग और दूसरा वायर गाइडेड सिस्टम। तो बेसिकली अकोस्टिक होमिंग किसी भी टारगेट से आ रहे साउंड को यूज करके अपने सिस्टम को गाइड करता है, और ये होमिंग दो तरह की होती है, आपका पहला है पैसिव होमिंग और दूसरा है एक्टिव होमिंग। तो पैसिव होमिंग में क्या होता है, किसी भी सिस्टम को डिजाइन किया जाता है एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ नॉइज को फॉलो करने के लिए, जिसमें ये सिस्टम उस नॉइज के डायरेक्शन में भी जा सकता है और उस नॉइज के डायरेक्शन से दूर भी जा सकता है। तो दोनों तरह के टास्क परफॉर्म करने में सक्षम होता है पैसिव होमिंग में। और वहीं पर अगर आप बात करते हो एक्टिव होमिंग की, तो वो एक्टिव होमिंग में आपका सिस्टम प्योर सोनार की तरह काम करता है। वो क्या करता है, अपना एक सेल्फ साउंड पल्स इंड्यूस करता है, और वो साउंड पल्स जैसे ही जाके टारगेट पे टकराती हैं और वो टारगेट से वापस आती हैं, तो जो उसकी इंटेंसिटी होती है वो जिस तरफ ज़्यादा होती है उस तरफ आपका सिस्टम चल पड़ता है। तो आप ऐसे कैसे पता करोगे कि आपकी इंटेंसिटी किस तरफ ज़्यादा है, तो उसके लिए जो इसमें साउंड जनरेट करते हैं और साउंड को रिसीव करते हैं उस डिवाइस को बोला जाता है ट्रांसड्यूसर। तो बेसिकली ट्रांसड्यूसर्स स्पीकर और माइक्रोफोन की तरह काम करते हैं, जहाँ पर वो साउंड पल्स जनरेट करते हैं और उन्हीं साउंड पल्स को ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद रिसीव करते हैं। और इस तरह के मिनिमम 3 ट्रांसड्यूसर किसी भी टॉर्पीडो में लगाया जाता है, फ्रंट में और 2 साइड में, जो कि एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है। और जिस ट्रांसड्यूसर को रिटर्निंग साउंड पल्स की जो इंटेंसिटी है वो ज़्यादा मिलती है, तो आपका जो गाइडेंस सिस्टम है वो उस तरफ मूव कर जाता है। तो बेसिकली आपके टॉर्पीडो में जितने नंबर ऑफ ट्रांसड्यूसर्स होते हैं एक्यूरेसी है वो उतनी ही बढ़ जाती है। तो हमारा वरुणास्त्र भी इसी तरह का एक्टिव और पैसिव दोनों तरह के सिस्टम्स यूज करने जा रहा है। वहीं पर वरुणास्त्र को वायर द्वारा गाइड किए जाने की भी क्षमता दी जा रही है। तो बेसिकली आपकी जो रेंज होती है किसी भी
मिसाइल की या फिर आपके टॉर्पेडो की, तो उस रेंज को देखते हुए उतना ही थिन वायर आपके टॉर्पेडो या फिर सिस्टम से अटैच होते हैं और उन थिन वायर के थ्रू मिसाइल को गाइडेंस दी जा रही होती है। और मान लो वो थिन वायर आपके टारगेट तक नहीं पहुंच पाता है, मतलब टारगेट से पहले ही थिन वायर की जो रेंज है वो ख़त्म हो जाती है, तो वहाँ पे क्या होता है, तो वहाँ पे जो आपका टॉर्पीडो है वो अपना एक्टिव और पैसिव होमिंग सिस्टम है उसे एक्टिवेट कर लेता है और उसके बाद वो अपने आप ही सेल्फ गाइडेंस करने लगता है। तो अभी तक जो लॉन्गेस्ट थिन वायर सिस्टम यूज हुआ है वो 4 किलोमीटर तक की रेंज में यूज किया गया है, वो एक रशियन वायर गाइडेड मिसाइल है। तो ये था इसके गाइडेंस सिस्टम को लेके। अगर आप बात करते हो इसके मूवमेंट्स की, तो ये किस तरह से मूव करता है, तो इसके मूवमेंट्स के लिए इसके जितने भी फिन्स हैं उन सभी पे हाइड्रोलिक कंट्रोल्स दिए गए हैं, मतलब वाटर का यूज करके, हाइड्रल फोर्स का यूज करके जो फिन्स है उनको टर्न कराया जाता है, जिसकी वजह से जो टॉर्पीडो की डायरेक्शन होती है वो चेंज होती है। बात करते हैं ये किस तरह से प्रोपेल होता है, इसमें इंजन किस तरह का है। तो इसमें जो इंजन है वो बेसिकली एक 250 किलोवाट का सिल्वर जिंक बैटरी यूज की जाती है। तो बेसिकली जो सिल्वर बेस्ड बैटरियाँ होती हैं वो दो तरह की होती हैं, आपका पहला होता है सिल्वर ऑक्साइड बैटरी और आपका दूसरा होता है सिल्वर जिंक बैटरीज। तो जो सिल्वर ऑक्साइड बैटरीज होती हैं वो उतनी कैपेबल नहीं होती हैं, उतनी हाई कैपेसिटी की नहीं होती है, लेकिन जो सिल्वर जिंक बैटरियाँ होती हैं वो एक हाई कैपेसिटी की बैटरियाँ होती हैं, जिसे अभी हम वरुणास्त्र में यूज़ कर रहे हैं। और सिल्वर जिंक बैटरियाँ भी दो तरह की होती हैं, आपका पहला होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस्ड इलेक्ट्रोलाइट का यूज़ करता है और जो आपका दूसरा होता है वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बेस्ड इलेक्ट्रोलाइट का यूज़ करता है। तो ये दो तरह की बैटरियाँ होती हैं, जिनमें से हम अभी KOH बेस्ड बैटरी यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो इस टॉर्पीडो की पावर कैपेसिटी है वो काफ़ी हाई है पर यूनिट वेट की अगर बात करते हो उस अकॉर्डिंग। इनकी लाइफ जो ऑपरेटिंग लाइफ है वो भी काफ़ी हाई है, ये बैटरियाँ तकरीबन 24 घंटे काम करके भी जो इनकी लाइफ है वो तकरीबन 5 साल की अचीव कर सकते हैं। जो इनका सेल्फ डिस्चार्ज है, मतलब रखे रखे बैटरी ख़त्म हो जाना, वो चीज़ इन बैटरीज में काफ़ी कम है। और सबसे ज़रूरी बात जिसकी वजह से इन बैटरियों को चूज़ किया गया है वो है इसका लो टेम्परेचर में ऑपरेट करने की जो कैपेबिलिटी है वो काफ़ी अच्छी है। तो इस तरह के कुछ एडवांटेज हैं जिसकी वजह से NSTL और DRDO ने सिल्वर जिंक बैटरीज को चुना है। अब बात करते हैं कुछ ऐसे सिस्टम्स की वरुणास्त्र के बारे में जो शायद आपको पता होगा, तो चलिए देखते हैं। जिसमें मनूवरिंग एबिलिटी दी गई है और ये मनूवर किस तरह से करता है हमने पहले बताया है कि हाइड्रोलिक फोर्स का यूज़ करता है अपने फिन्स पे और उसकी वजह से ये मनूवर करने में सक्षम होता है। इसमें दी गई है लो ड्रिफ्ट नेविगेशनल सिस्टम और इसे कंट्रोल किया जा सकता है सेंट्रलाइज्ड मिशन कंट्रोल के द्वारा। और इसके सेल्स को बनाया गया है हाई स्ट्रेंथ एल्यूमिनियम के अलॉय का यूज़ करके और किसी भी इमरजेंसी में इसमें शटडाउन करने का भी ऑप्शन दिया गया है और इस टॉर्पीडो की लोकेशन भी ट्रैक की जा सकती है GPS सिस्टम का यूज़ करके। तो ये कुछ इसके सेलियंट फीचर्स हैं। और अभी फिलहाल DRDO और NSTL एक ऐसे टॉर्पीडो पर काम कर रही हैं जो कि एक हैवी वेट टॉर्पीडो है जिसका नाम तक्षक है। और इस टॉर्पीडो को लेकर बहुतों का ऐसा मानना है कि ये वरुणास्त्र का ही एक हैवी वेट सबमरीन वर्जन है जिसकी रेंज 40 किलोमीटर तक की होगी और ये भी 400 मीटर डेप्थ में ऑपरेट करने में सक्षम होगा और ये सबमरीन से लॉन्च किया जाएगा जिसे स्पेशली वायर से गाइडेंस दी जाएगी। तो टेक्निकली ये किसी भी तरह के न्यूक्लियर सबमरीन जो कि डीप डाउन ओशियन में चल रहे होते हैं तो उन सभी को मार करने में सक्षम है। और अभी इंडिया का एक और टॉर्पीडो जो कि अभी अंडर डेवलपमेंट माना जा रहा है वो है शक्ति हैवी वेट टॉर्पीडो जिसकी स्पीड तक्षक और वरुणास्त्र से भी हायर होने जा रही है और ये तकरीबन 500 किलोवाट वाले पावर इंजन का यूज़ करेगा। सो एक हैवी इंजन के उपयोग हो जाने से जो इसकी रेंज होगी वो कहीं ना कहीं वरुणास्त्र से ऊपर होगी और वहीं पे स्पीड भी बढ़ेगी। तो वरुणास्त्र को लेके इतना ही। बात करते हैं अभी हाल ही में इजराइल द्वारा ऑफर किए गए ELM-2084 रडार की, जो कि एक ग्राउंड बेस्ड मल्टी मिशन रडार है और ये रडार कैपेबल है हर तरह के एयरक्राफ्ट बैलिस्टिक मिसाइल और स्टेल्थ ऑब्जेक्ट को ट्रैक करने में। तो ये किसी भी तरह के इंटरसेप्शन और एयर डिफेंस के लिए फायर कंट्रोल गाइडेंस प्रोवाइड करता है और इस रडार का इंडियन नेवी के पास ऑलरेडी ही एक वर्जन अवेलेबल है जिसे इंडियन नेवी ऑपरेट करती है और वो वर्जन है MF-STAR जिसे आप 2248 भी बोलते हैं, ELM-2248 जिसे इंडियन नेवी ऑपरेट करती है और जिसके द्वारा इंडियन नेवी बराकेट को लॉन्च करने में सक्षम है। तो बेसिकली क्या है ये ELM-2084, तो इसका जो एंटीना साइज है वो इसके अदर वर्जन से काफ़ी बड़ा है, इसकी रेंज काफ़ी बड़ी है, ये एडवांस टेक्नोलॉजी इस रडार का यूज़ करता है और ये डिफरेंट डिफरेंट तरह के टारगेट को एक साथ ही इंटरसेप्ट करने में सक्षम होगा। और ये रडार किसी भी ऑब्जेक्ट को जिसकी RCS वैल्यू कितनी भी लो हो उसको भी ट्रैक करने में सक्षम होगा और ऐसा अनुमानित है कि कोई ऑब्जेक्ट जिसकी RCS वैल्यू तकरीबन 0.001 है उस टारगेट को भी ये रडार डिटेक्ट करने में सक्षम है। तो ये किस तरह के मिशंस करने में सक्षम है, तो पहला मैं आपको बता दूं, ये रडार फायर कंट्रोल रडार है जो कि डिफरेंट तरह के ऑपरेशंस को करने में सक्षम होगा, जो कि आयरन डोम
डेविड स्लिंग और स्पाइडर एयर डिफेंस सिस्टम करते हैं, तो उन सभी के जो फायर कंट्रोल ऑपरेशंस हैं तो उसको यह करने में सक्षम है और ये डिफरेंट तरह के वार्निंग देने में सक्षम है, चाहे वो अगर आपके टारगेट के हिटिंग रेंज में कोई सिविलियन पॉपुलेशन है तो उस तरह के वार्निंग को भी आपको पहुंचाएगा। वहीं पे कोई दुश्मन का बैलिस्टिक मिसाइल आपकी तरफ बढ़ रहा है तो उसके प्रोजेक्टाइल के पर मिनट की खबर आपको पहुंचाएगा कि ये प्रोजेक्टाइल किस समय में कहां पहुंचने वाला है। तो ऐसे कुछ इसके डिस्टिंक्टिव फीचर्स हैं। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, ये रडार जो ELM-2084 है ये एक 3-dimensional बेस्ड रडार है। वहीं पे इंडिया ने भी अपना एक रडार डेवलप किया है इसी के तर्ज पे, जिसका नाम अरुद्र है और ये एक 4-dimensional मीडियम पावर रडार है जिसकी रेंज तकरीबन 300 किलोमीटर के आसपास है। और ये रडार अभी फिलहाल राजस्थान में गुजरात के नज़दीक पाकिस्तान बॉर्डर पे डिप्लॉय किया गया है। सो ये रडार इजरायली ELM-2084 पे ही बेस्ड है, लेकिन इसकी जो रेंज है वो लिमिटेड है एज कम्पेयर टू ELM-2084। सो तीसरी खबर में बात करेंगे वेपनाइज्ड सी गार्डियन ड्रोन के इंडक्शन को लेके। तो जैसा कि आप सब जानते होंगे, वेपनाइज्ड सी गार्डियन ड्रोन जिसे प्रेडेटर बी के नाम से भी बताया जाता है, और इस ड्रोन के प्रोक्योरमेंट को लेके एक प्रपोजल भेजा जा रहा है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल को, जिसके अंतर्गत तकरीबन 30 ऐसे ड्रोन की डिमांड की गई है। और ये 30 ड्रोन 10 आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लिए होंगे। जैसा कि आप सब जानते होंगे, ये सी गार्डियन ड्रोन्स जो कि वेपनाइज्ड ड्रोन्स हैं, ये तकरीबन 2200 किलोग्राम का वॉरहेड या फिर मिसाइल कैरी करने में सक्षम है, और इनमें 9 हार्ड पॉइंट्स दिए गए हैं और इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 5670 किलोग्राम का है और ये 12 किलोमीटर ऊंचा उड़ने में सक्षम है, जो कि ऐसा ये 35 घंटे तक करने में सक्षम है। जैसे ही ये प्रपोजल DAC के पास पहुंचता है और DAC इसे एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी के अंतर्गत एक लेटर इशू करती है, तो उसके बाद एक रिक्वेस्ट की जाएगी US गवर्नमेंट से, जहाँ पे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के अकॉर्डिंग पेंटागन के साथ इस डील को साइन किया जाएगा। और इसको लेके वैसे भी आप सब जानते ही होंगे, बहुत सारी वार्ता हो चुकी हैं और ऐसा माना जा रहा है कि इस साल के ही सितंबर अक्टूबर तक इस डील को साइन कर लिया जाएगा। और जहाँ तक आप सबको पता ही होगा कि सी गार्डियन ड्रोन को एक प्रोटेक्शन दी गई है कॉमकासा के अंतर्गत, जिसमें इसे प्रोटेक्शन दिया गया है GPS इनेबल करके, जो सक्षम होगा फ्रेंड और फो में रिसीवर के थ्रू डिफरेंस समझने में, जो कि कहीं ना कहीं इसको इम्यूनिटी प्रदान करता है जैमिंग के अगेंस्ट। वैसे तो ये सब कुछ हो रहा है जहाँ एक तरफ ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने एक प्रेशर बनाया हुआ है इंडिया के ऊपर S-400 के डील को लेके, जो कि इंडिया रशिया से प्रोक्योर करने वाला है, वहीं दूसरी तरफ इंडिया ये प्लान कर रहा है कि वो सी गार्डियन ड्रोन को प्रोक्योर करे। तो देखने वाली बात ये होती है कि ये पूरा मैटर किस तरह से पैन आउट होता है। तो इस बारे में आप लोगों के क्या थॉट्स हैं कमेंट सेक्शन जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी गिव अस अ लाइक, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। जय हिंद।